सो फाइनली लंबे समय से चल रहे इंतजार के बाद अब भारत फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के बीच रिलीज कर दिया गया, जिसे फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बैक टू बैक 5 लुक पोस्टर रिलीज करने के बाद भारत फिल्म का ट्रेलर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, और जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही फैंस भी भारत फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्शन दे रहे हैं। और इसी बीच बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान भी भारत फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर हैंडल पर सलमान खान की फिल्म भारत के ट्रेलर की तारीफ करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, क्या बात है भाई, बहुत खूब। बताना चाहेंगे भारत फिल्म की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त साबित होने वाली है, जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से शुरू होगी और साल 2010 तक इस फिल्म की कहानी को दर्शाया जाना है। और इस समय के बीच सलमान खान के 5 अलग अलग लुक हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी छोटी छोटी झलक हमने लुक पोस्टर में देखी है। सलमान खान इस फिल्म में नेवी अफसर से लेकर कोयले के खदान में काम करने वाले मजदूर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में वो सर्कस में काम करने वाले स्टंटमैन के भी रूप में दिखाई देने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म भारत की बात करें तो ये फिल्म दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रीमेक है, जिस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ, दिशा पानी, आसिफ शेख, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर आलिया भट्ट जाफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत को 5 जून 2019 को रिलीज किया जाना है। लेकिन तब तक आप हमें बताइए कि आपको भारत फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दें। इन दिनों टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म स्टोन ऑफ द 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। बीते कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर देखने के बाद लोग फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहेंगे इस फिल्म का निर्देशन के हैं पुनीत मल्होत्रा और इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट तारा सुतरिया और अनन्या पांडे नजर आने वाली है। तारा और अनन्या दोनों ही इस फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड में पहला कदम रखने जा रही है, और टाइगर श्रॉफ इन दोनों की फ्रेश जोड़ी के साथ फिल्म स्टोन ऑफ द 2 को 10 मई 2019 को लेकर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि स्टोन ऑफ द ईयर जो साल 2012 में आई थी, ये उस फिल्म का अगला पार्ट है। लेकिन अभी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब टाइगर श्रॉफ से पूछा गया स्टोन ऑफ द ईयर के कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन को आप क्या चैलेंज देना चाहते हैं, तो इस बात का जवाब देते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा, मुझे लगता है कि वरुण धवन के साथ मैं शायद डांस और एथलेटिक्स में कम्पीट करना चाहूंगा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मैं कबड्डी में चैलेंज करना चाहूंगा। तो इस बात का जवाब देते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा कि वो वरुण धवन को डांस और एथलेटिक्स में कम्पीट देना चाहूंगा, वहीं पर कबड्डी में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को चैलेंज दे दिया। वैसे देखा जाए टाइगर श्रॉफ की फिजिक्स और बॉडी को लेकर हमेशा से चर्चाओं का विषय बना रहता है, और टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी जबरदस्त एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। बताना चाहेंगे बागी 2 में भी टाइगर श्रॉफ की यही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। टाइगर श्रॉफ बहुत ही फिट और एक्शन से भरपूर अभिनेता है, जिनकी फिल्मों का भी उनके फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल टाइगर श्रॉफ द्वारा दिया गया ये चैलेंज सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों अभिनेता टाइगर श्रॉफ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों की जोड़ी किसी भी फिल्म में हमें नजर आ सकती है। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्में करोड़ों के बजट में बनती हैं और वो जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती हैं तो धुआंधार कमाई करती हुई नजर आती हैं। साथ ही इन फिल्मों के जरिए बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी धमाकेदार कलेक्शन भी करते नजर आते हैं, और यही बड़ा कारण है कि आने वाले कई समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार कमाई के मामले में हॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटियों को भी पीछे कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि साइड बिजनेस से भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, और उन्हीं साइड बिजनेस के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार से तो हर कोई वाकिफ है कि वो साल में 3 से 4 फिल्में लेकर आते हैं और उनकी फिल्में आराम से 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन आपको बताते चले, अक्षय कुमार फिल्मों के अलावा बेस्ट डील टीवी नाम से एक ऑनलाइन शॉपिंग चैनल भी चलाते हैं, साथ ही उनके पास हरि ओम एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है। इसी के साथ ही अभिनेता अजय देवगन की बात करें तो 90 के दशक के सुपर एक्शन हीरो अजय देवगन आज भी फिल्मों में हिट साबित हो रहे हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस करने में कामयाब हो पाई थी। उनकी फिल्म रेड ने भी अच्छा बिजनेस किया था। बताते चले अजय फिल्मों के अलावा रोहा ग्रुप के पार्टनर हैं और अजय देवगन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर लिमिटेड के मालिक भी हैं। इसी के साथ ही एक्टर सुनील शेट्टी की बात करें तो इन दोनों वो बॉलीवुड की फिल्मों से गायब हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी का आज भी दबदबा कायम है। बताना चाहेंगे सुनील शेट्टी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कोई भी किरदार देते तो वो कर लेते हैं, यही वजह है कि उनकी लिस्ट में कई फिल्में हैं। बात करें उनके साइड बिजनेस की तो वो रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, पॉपकॉर्न, फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं।
इसी के साथ ही अभिनेता सुनील शेट्टी की बात करें तो प्रियदर्शन के साथ वो एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है मरकर द लाइन ऑफ अरेबियन सी। इस फिल्म को 150 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है और इस फिल्म में सुनील शेट्टी एक समुद्री योद्धा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आ पाई है और जानकारों का कहना है इस फिल्म को साल 2020 के शुरुआती महीनों में रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साइड बिजनेस के बारे में। वैसे देखा जाए, अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म दे दे प्यार और तानाजी दी अनसंग वॉरियर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की। इसके साथ ही अक्षय कुमार मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाओं के विषय में बने हैं। वहीं पर सुनील शेट्टी की बात करें तो मरकर द लाइन ऑफ अरेबियन सी को लेकर चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म भारत की तरफ आया जाए तो सलमान खान की फिल्म भारत इस साल जब ईद के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर को जिस हिसाब से रिएक्शन मिल रहा है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी। फिल्म का ट्रेलर लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होता दिख रहा है और इसी के साथ ही आज हम आपको इस वीडियो में फिल्म भारत के ट्रेलर से जुड़ी 5 दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। वो 5 दिलचस्प बातें फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने वाली हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत फिल्म में सलमान खान के 5 बैक टू बैक हमें लुक देखने को मिलेंगे। सलमान खान इस फिल्म में मजदूर से लेकर नेवी अफसर और नेवी अफसर से लेकर सर्कस में काम करने वाले स्टंटमैन तक का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही वो इस फिल्म में एक बूढ़े व्यक्ति का भी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने आप में काफी अहम बात होने वाली है। सलमान खान के ऐसे किरदार अब तक हमने किसी एक फिल्म में नहीं देखा है, ऐसे में काफी मायनों में यह फिल्म भारत खास होने वाली है क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान के हमें 5 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलीबाज जफर और सलमान खान की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस को 2 बड़ी फिल्में दे चुके हैं, एक है टाइगर जिंदा है और जबकि दूसरी है सुल्तान। दोनों फिल्मों में सलमान खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं। ऐसे में अलीबाज जफर ने फिल्म भारत को सुपर डुपर हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म का डायरेक्शन भी काफी ज्यादा लाजवाब लग रहा है फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद। तीसरी बड़ी बात, जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत फिल्म की कहानी भी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। जिस हिसाब से फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोगों का कहना है कि ये फिल्म लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाएगी क्योंकि इस फिल्म को देशभक्ति से जोड़ा गया है। बताना चाहेंगे, फिल्म की कहानी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से शुरू होगी और साल 2010 तक की कहानी इस फिल्म में दिखाया जाएगा। साथ ही पार्टीशन के बाद और साल 2010 तक के समय के बीच सलमान खान के में 5 अलग अलग लुक भी देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिल्म की कहानी भी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। चौथी बड़ी बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म भारत में कैटरीना कैफ, दिशा पाडवी, सुनील ग्रोवर, आसिफ शेख, नोरा फतेही, जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी धमाका करती हुई नजर आएगी क्योंकि एक साथ इन्हें सारे स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। खबरों की माने तो इस फिल्म में तब्बू सलमान खान की बहन का किरदार निभाती हुई नजर आएंगे। वहीं पर जैकी श्रॉफ इस फिल्म में सलमान खान के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर कैटरीना कैफ की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान की प्रेमिका का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। अब बात करें पांचवी बड़ी वजह की तो इस फिल्म का बजट, जी हाँ, इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा हाईफाई है और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया कि इस फिल्म का बजट करीब 120 करोड़ के आसपास, जी हाँ, 120 करोड़ के आसपास इस फिल्म का बजट है और इस फिल्म की शूटिंग भी काफी बेहतरीन लोकेशन पर की गई है। इसकी छोटी छोटी झलक हमने फिल्म के ट्रेलर में देखी है। तो दोस्तों, ये थी 5 वो बड़ी बातें जो फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज्यादा खास बनाती हैं। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है, जब ये फिल्म 5 जून 2019 को ईद के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, हम आपकी भी राय लेना चाहते हैं, आपको फिल्म भारत का ट्रेलर कैसा लगा, साथ ही आप फिल्म भारत का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। निर्देशक रोहित शेट्टी की बात करें तो उनकी फिल्म सूर्यवंशी का जब से ऐलान हुआ है तब से ही अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस फिल्म के प्रति। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सूर्यवंशी फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार वीर एटीएस अफसर वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ महीने पहले इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ था जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार लग रहा था, लेकिन बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभी भी नाम खोजा जा रहा था और अभी भी इस फिल्म की एक्ट्रेस पर माथा पच्ची की
जा रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल हो चुका है और वो कोई और नहीं कैटरीना कैफ ही है। जी हाँ, लेकिन लंबे समय से कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े के नाम पर जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन आखिरकार कैटरीना कैफ को फिल्म सूर्यवंशी के लिए फाइनल कर लिया गया है, जिस बात का ऐलान खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी किया है। अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी गर्ल कैटरीना कैफ का स्वागत करते हुए एक फोटो शेयर की है, जिस फोटो में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ, रोहित शेट्टी और करण जौहर नजर आ रहे हैं। वही जानकारों का कहना है कि फिल्म में कैटरीना कैफ भी कड़क पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई देने वाली है, लेकिन इस बात की भी पक्की पुष्टि नहीं हो पाई कि कैटरीना कैफ का फिल्म सूर्यवंशी में क्या किरदार होने वाला है। बीते कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जब ये ऑफर कैटरीना कैफ को मिला तो उन्होंने इस फिल्म को इसलिए करने से मना कर दिया था कि उनका इस फिल्म में छोटा सा रोल है, लेकिन बाद में पता चला ये महज सिर्फ अफवाह थी। कैटरीना कैफ ने फिल्म सूर्यवंशी को हाँ कर दी है और इस बात का ऐलान अब मेकर्स भी कर चुके हैं और इस बात में कोई शक नहीं है, जब ये फिल्म ईद 2020 के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों आपकी एक एक्साइटमेंट है फिल्म सूर्यवंशी को लेकर और एक बार फिर से अक्षय और कैटरीना की जोड़ी किसी बड़ी फिल्म में दर्शकों के बीच पेश होने वाली है, इस बात पर आपको क्या कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को कोई भी काम नहीं दे रहा है। बताना चाहेंगे काम न मिलने के कारण सरोज खान को फाइनेंशियली दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान उनके मदद के लिए सामने आए और उन्होंने सरोज खान को काम करने का वादा किया। बताना चाहेंगे सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता है जो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं और जब उन्हें सरोज खान के बारे में पता लगा तो वो उनकी मदद करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और सलमान खान ने कहा था कि मैं सरोज खान को काम दूंगा, लेकिन इस बात पर पहली बार सरोज खान ने अपना बयान दिया है। जी अभी हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब सरोज खान से पूछा गया कि क्या आप सलमान खान के साथ काम करने वाली हैं, तो इस बात का जवाब देते हुए सरोज खान ने कहा कि सलमान ने तो कहा है काम देने को, अब देखो वो काम देते हैं या नहीं। इतना कहते ही सरोज खान वहां से चली गई। बताना चाहेंगे सरोज खान सलमान खान के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई थी और बताया जा रहा था कि सलमान खान सरोज खान से काफी ज्यादा नाराज हैं, लेकिन जब सलमान खान को सरोज खान की स्थिति के बारे में पता लगा और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है तो सलमान खान अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने दुश्मनी भुलाकर सरोज खान की मदद करने का फैसला किया। सलमान खान ने सरोज खान को अपनी किसी फिल्म में काम देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक इस बात की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सरोज खान को कौन सी फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जानकारों का कहना है कि शायद वो दबंग 3 हो सकता है या फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह। वहीं दूसरी ओर सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय सलमान खान अपनी दो बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाओं के में बने हुए हैं। एक उनकी फिल्म भारत, जिस फिल्म के बैक टू बैक 5 लुक पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आलिया भट्ट जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत को 5 जून 2019 को रिलीज किया जाना है। वहीं दूसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो दबंग 3 को लेकर सलमान खान भी मीडिया के गलियारों में छाए हुए हैं और बताना चाहेंगे दबंग 3 के पहले शूटिंग शेड्यूल खत्म हो गया है और दूसरे शूटिंग शेड्यूल मुंबई में किया जाना है।